कांग्रेस नेता अरुण यादव के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पिछड़ों के विरोध की रही है। अरुण यादव के पिता के साथ कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव ने संघर्ष किया और सीएम बन गए कमलनाथ। वे अध्यक्ष रहते सबको टिकट बांटते थे, अब खुद टिकट मांग रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ की चक्की धीरे चलती है लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों को बारीक पीसती है। अरुण यादव संघर्ष करते रहे और मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए। अब अरुण यादव को खुद का टिकट मांगना पड़ रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, बाद में ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस गजब खेल करती है। नरोत्तम ने कहा मैं बाहर गया था इसीलिए अमित शाह के साथ चर्चा में नहीं था, मुझे इतना ज्ञान है कि कब चर्चा में जाना है और कब नहीं। उन्होंने अपराधियों को लेकर कहा कि लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं, अपराधों के नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सच में वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। ऐसा उनके ट्वीट में भी उल्लेख है किस तरह से उनके पिताजी के साथ में सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उन्होंने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। जो अध्यक्ष थे जो टिकट बांटा करते थे, दो दो बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति करेंगे, ये अच्छा नहीं है। कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को, मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो, कमलनाथ की चक्की चलती धीरी है पर पीसता बारी के पार्टी के लोगों को। ये वो भी दिग्विजय सिंह है जिनने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 4,000 रुपया महीना देने का वादा किया था, और उसके बाद जैसे गुहेरी हो जाती है ना हाथ में, फिर जीव चढ़ा देते हैं बाद में, ऐसे इन्होंने जीव चढ़ा दी थी फिर नौजवानों से मध्य प्रदेश के। 15 महीने में कायदे से 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 मिल रहा था, इन्हें 60 रुपये भी नहीं दिए, वो वकालत कर रहे हैं। आप अचंबा तो देखो, आप जो घोषणा पत्र में झूठ निकली वो सब बातों में नेतागिरी कर रहे हैं। किसान पे बात करते हैं, कर्जा माफी की बात की, 10 दिन में 2 लाख की, एक का भी माफ नहीं किया पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 4,000 महीने की बात की, पेट्रोल डीजल पे वैट कम कर देंगे ये घोषणा पत्र में डाला और बढ़ा दिया, उस पर आंदोलन करते हैं। अजब की कांग्रेस है, वो गजब खेल है। कोई भी माफिया हो अकेला भूख से मत जुड़ो उसे, कोई भी माफिया हो, विदिशा ले लेगा, ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा इस प्रदेश के अंदर। ये मुख्यमंत्री जी साफ ऐलान कर चुके, वो जैसा ट्वीट करके सोचते हैं वो कांग्रेस तक ही रखें, अपना सोच तो अच्छा है। मेरे को ज्ञान इतना है कि कब जाना है कब नहीं जाना है। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में है, कुल 17 प्रकरण आए हैं, 131 एक्टिव बचे हैं, रोज 70,000 टेस्ट हो रहे हैं। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है वैसे, उस पर कंपनी पर FIR कर दी। प्रदेश में सभी SPOs को ये निर्देश भी दिए कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल की, पर इस तरह की जितनी कंपनियां हैं इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है इसका, नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें इसकी विधि विभाग से राय भी ली है, और बहुत जल्दी राय आने के बाद इस तरह की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करें। अभी कुल प्रदेश में 17 प्रकरण कोविड के हैं, जो कल टेस्ट लेने के बाद 17 प्रकरण ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं,
पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।